किसान भाइयों, मैं हूं गुलशन और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पपीता के पौधे में, पपीता की फसल में हम खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। पपीता एक पेरिनियल क्रॉप है जो 2 से 3 वर्ष तक चलता है और इसमें एक प्रमुख रूप से समस्या आती है खरपतवार की। तो खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए हम लोग डाइकॉट और पैराकॉट जो कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, इसको डालने से सभी प्रकार के जो वनस्पति हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने एक आज देसी जुगाड़ अपनाए हैं। इसमें क्या करते हैं, हम पपीता के पौधे को इससे ढक देते हैं और आसपास उसमें खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर देते हैं। तो क्या होता है, पपीता का पौधा बच जाता है और खरपतवार से पूरा हम लोग उसको खरपतवार नाशी से पूरा खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। तो जिन किसान भाइयों के यहाँ पपीता लगा हुआ है वो खरपतवार नष्ट करने के लिए ध्यान देंगे कि इस प्रकार से इस फसल को, पपीता को बचाया जा सकता है खरपतवारों से। इस देसी जुगाड़ का उपयोग करके हम लोग खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं और पपीता हमारा सुरक्षित बचा रह सकता है। आइए मैं दिखाता हूँ कि हम लोग इसमें, इस प्लॉट में परसों हमने स्प्रे किया था और हमारा पपीता का पौधा देखिए बिल्कुल स्वस्थ है और बाकी खरपतवार जो है पूरे नष्ट हो चुके हैं। ये देखिए हमारे किसान भाइयों, हमारे पौधे बिल्कुल ही सुरक्षित है और जो खरपतवार है पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। तो आप लोग इस तरीके से देखिए, ये पौधे जो हैं पूरे हमारे स्वस्थ हैं, ये पौधे हमारे स्वस्थ हैं और खरपतवार जो है हमारे प्लॉट के बिल्कुल भी गायब हो चुके हैं। तो इस तकनीक का उपयोग आप किसान भाइयों करें और अपनी फसल को खरपतवार से बचाएं। धन्यवाद।